हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ एक रेमेडी शेयर कर रही हूँ जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। तो मैं यही कहना चाहूँगी कि अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर मेरी वीडियो पसंद आती है तो जल्दी से मेरी वीडियो को लाइक भी कीजिए। आज का जो हमारा टॉपिक है वो आप टाइटल देखकर समझ ही गए होंगे, तो अब आइए उसी टॉपिक पर हम बात कर लेते हैं थोड़ी सी। तो गाइस, आज मैं आपको बताने जा रही हूँ, मतलब एक रेमेडी है, बहुत छोटी सी रेमेडी है, अगर आपने इसे फॉलो किया तो ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होगी। सो आप इसे ट्राई कर सकते हैं, बहुत ही ज़्यादा अफोर्डेबल भी है और आपको ये ज़रूर ट्राई करना चाहिए। और मैं ये भी जानती हूँ कि ये हम सभी की प्रॉब्लम होती है, तो इस प्रॉब्लम से बचने के लिए सिर्फ हमें इतनी सी रेमेडी रोज़, मतलब हमें डेली उसका रूटीन फॉलो करना। आज मलाई से DIY करके एक रेमेडी रेडी करेंगे जो कि हमारे लिप्स के लिए रहेगी। और आजकल मतलब हम बहुत एक्सेस अमाउंट में लिपस्टिक वगैरह यूज़ करते हैं, काफ़ी टाइम तक उसे रहने देते हैं तो हमारे लिप्स बहुत ज़्यादा डार्क हो जाते हैं। उसी को लाइटन अप करने के लिए मैं आपको ये रेमेडी बता रही हूँ और आपके साथ शेयर कर रही हूँ। मैंने इस रेमेडी को ट्राई किया है इसलिए मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। सो अगर आपको मेरी ये वीडियो हेल्पफुल लगे तो जल्दी से मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और मेरे चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। अगर हम बहुत ज़्यादा लिपस्टिक का यूज़ कर रहे हैं और अच्छी नहीं, और बहुत टाइम तक हमने लिपस्टिक यूज़ कर रखी है, या कोई भी प्रॉब्लम हो सकती है जिससे हमारे लिप्स डार्क हो सकते हैं, तो मलाई जो होती है वो बहुत ही अच्छी रेमेडी होती है लिप्स के लिए। मतलब लिप्स को बहुत ही ज़्यादा सॉफ्टनेस भी प्रोवाइड करती है और बहुत ही ज़्यादा मतलब अच्छा कलर भी प्रोवाइड कर देती है, तो बहुत ही अच्छी चीज़ होती है और हमारे घर में अवेलेबल होती ही है, इसलिए आज हम उसी से DIY करके लिप केयर करेंगे। सबसे पहले मैं आपको यही बताना चाहूँगी कि मलाई जो होती है वो हमारे लिए बेस्ट मॉइस्चराइज़र का वर्क करती है, और उसमें लैक्टिक एसिड जो होता है वो टैनिंग को भी बहुत जल्दी रिमूव कर देता है, और उसके जो प्रोटीन्स और विटामिन्स होते हैं वो हमारे स्किन में कोलेजन प्रोडक्शन को इंक्रीज करने का काम करता है, जिससे कि हमारी स्किन काफ़ी टाइम तक यंग दिखती है और हमें बहुत सारा ग्लो भी प्रोवाइड होता है। सो गाइस, अब हम हमारी रेमेडी रेडी कर लेते हैं। तो सबसे पहले हमें एक स्पून मलाई लेनी है और एक स्पून शुगर लेनी है, और इसे अच्छी तरह से मिक्स करना है, और बस हमारी रेमेडी रेडी है। गाइस, अब मैं अपनी फिंगर्स की हेल्प से इसे अप्लाई करूंगी अपने लिप्स पर और अच्छी तरह से एक्सफोलिएट करूंगी ताकि जो भी डेड स्किन सेल्स हो वो भी रिमूव हो जाए और हमारी जितनी टैनिंग है वो भी रिमूव हो जाए। आपको भी बिल्कुल ये प्रोसेस इसी तरह करनी है। अब ये प्रोसेस कंप्लीट हो चुकी है तो मुझे इसे 10 मिनट के लिए ऐसे ही रहने देना है, और उसके बाद मैं इसे कॉटन पैड की हेल्प से साफ़ कर लूँगी।
रेमेडी है। अगर आप इसे ट्राई करना चाहते हो तो आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा इसे। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और मेरी वीडियो अगर पसंद आई हो तो जल्दी से मेरी वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।